हाय दोस्तों, कैसे आप सब। आज जो गाड़ी हमारे सामने खड़ी है वो काफी स्पेशल है। ये है एमजी की कॉमेट ईवी, जो कि इंडिया की सबसे सस्ती ईवी है। कुछ इस तरह का इसमें डिजाइन मिलता है। ये एमजी का लोगो है सेंटर में, और इसी के नीचे चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है आपको। इस तरह की कुछ लाइट्स मिलती हैं। काफी कॉम्पैक्ट सा, काफी क्यूट सा डिजाइन दिया गया है इंडिया मार्केट के हिसाब से। और ये देखिए, साइड से कुछ इस तरह की लगती है। छोटे छोटे इसके टायर्स हैं। इसका साइज एक बार चेक करते हैं जी। ये है 145/70R12 टायर, यानी 12 इंच के टायर्स हैं इसके अंदर, एलॉयज हैं। और ये दो डोर का डिज़ाइन है इसके अंदर, और यहीं से आपको आगे भी और पीछे दोनों सीट्स के एक्सेस मिल जाता है। कुछ इस तरह के बैक साइड है। काफ़ी क्यूट सी ऐसी है कि जैसे आप कहीं भी इसको पार्क कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं किसी भी ट्रैफिक कंडीशन में। ये कुछ बैक साइड से ऐसी दिखती है। एमजी का लोगो, नीचे बड़ा बड़ा कॉमेट लिखा हुआ है। इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग है, और यहाँ ईवी लिखा हुआ है ब्लू कलर से। और काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी क्यूट सी लग रही है गाड़ी मुझे तो। और सारे फीचर्स भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको। और एक बार अंदर जाके देखते हैं। इस तरह के कुछ डोर हैंडल्स हैं, और यहाँ से आप बैक सीट एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा खासा बैक सीट पे भी आपको स्पेस देखने को मिलेगा, ये देखिए। अब चलते हैं एक बार इसके डोर की तरफ। ये देखिए, इस टाइप का कुछ डोर आपको मिलता है। काफ़ी अच्छा सुंदर सा डिज़ाइन है, और ये डोर हैंडल मिलेंगे आप पे। और इसके अलावा स्पीकर्स हैं यहाँ छोटे छोटे, और यहाँ पे स्टोरेज के ऑप्शंस हैं कुछ। एक बार अंदर चल के देखते हैं। यहाँ कुछ स्लाइडिंग सीट्स आपको मिलेंगी, एक बार पीछे कर लेते हैं। और यहाँ पे हेडलाइट और ओवरवीएम की कंट्रोल्स हैं। तो इस तरह के कुछ आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, इस तरह का आपको फील आएगी। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। और इस तरह का कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा यहाँ। और यहाँ स्टीयरिंग है, बीच में एमजी का लोगो है। और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, मीडिया कंट्रोल्स, और हर तरह के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं। और ये आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, साथ ही इंटीग्रेटेड बड़ी सी स्क्रीन है। नीचे आपके एसी के कंट्रोल्स हैं, एसी ब्लोअर्स हैं। और ये नीचे का स्पेस खाली है, क्योंकि गियर बॉक्स तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे कंट्रोलर ज़रूर हैं, जो इसके गियर शिफ्टर कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं मॉड्यूल्स। यहाँ पे विंडो के कंट्रोल्स हैं सेंटर में, और ये हैंड ब्रेक है आपकी। और इस तरह का आपको डैशबोर्ड दूसरा मिलता है, स्टोरेज स्पेस मिल जाती है आपको। और इस तरह का दूसरा डोर है। काफ़ी स्पेशियस सा कैबिन लग रहा है, गाड़ी काफ़ी कॉम्पैक्ट है। ये ऑटो डिमिंग ओआरवीएम्स है, यहाँ लाइट के कंट्रोल्स हैं। तो कुल मिला के जो कैबिन है इसका, काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर सा है। और 8 लाख रुपए से जो इसका प्राइस स्टार्ट होता है वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि उन लोगों के लिए गाड़ी बहुत ही बढ़िया है जिनको अपनी फर्स्ट गाड़ी लेनी है। और ये ईवी है तो उनकी जेब पे सस्ती भी बहुत पड़ेगी, और उन लोगों को भी ये गाड़ी बहुत पसंद आएगी जिनको एक सेकेंडरी कार सिर्फ सिटी यूजेज के लिए चाहिए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। आपको ये गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।